हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आफ्टर 45 मिनट वॉक मेरे आप जो है गाल दे सकते हैं, एंड मॉर्निंग की अच्छी सी एक धूप जो कि विटामिन D3 के लिए बहुत ही ज़रूरी है इन सर्दियों में, साथ ही साथ वेट मैनेजमेंट एंड वेट लॉस के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है विटामिन D3, वो लेके मैं आई हूँ। और ये धूप मैंने, बिकॉज ठंड में थोड़ा सा लेट धूप निकलती है, तो 7:45 के बीच में गई थी वॉक करने, 45 मिनट वॉक किया है। जस्ट अभी नीचे आई हूँ, मैंने सोचा आप लोगों के साथ वीडियो जो है वो स्टार्ट कर दूँ अपने नए चैनल के लिए, और पूरी कोशिश करूँगी कि अब मैं आप लोग के साथ इस चैनल पर ब्लॉग्स डालती रहूँ। अभी मैंने शार नहीं लिया है, शार लूँगी, ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी, सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। साथ ही साथ इस चैनल पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं, तो आप ज़रूर देखना। साथ ही साथ मैं यही बोलूँगी कि दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमेशा से बोलती हूँ, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना। दोनों का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। लेकिन जो है, आप जब एक अच्छी सी वॉक लेते हैं तो स्किन बहुत शाइन करती है, साथ ही साथ जो है डिटॉक्स होती है, बॉडी पसीना निकलता है, तो स्किन भी फ्रेश हो जाती है, आप अंदर से फ्रेश हो जाते हो। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ शार्ल। आज बना है फैट मेल्टिंग ऑयल, और इसकी रेसिपी अगर आपको लेनी है तो लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। मेरे मेन चैनल की रेसिपी है ये, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्दी नहीं होने देता है, बॉडी से फैट को जो है बहुत तेज़ी से निकालता है। तो अभी मैंने इतनी क्वांटिटी में बनाया है जल्दी में, बिकॉज मुझे नहाने जाना था और मुझे ये यूज़ करना था ज़्यादा क्वांटिटी के लिए। ये आप देख सकते हो, ऑयल पूरा रखा है इसी के लिए, तो मुझे ये बनाना है फिलहाल। लेकिन अभी जल्दी के लिए मैंने फ़िलहाल अभी इतना सा ही बना के रख लिया, और अब ठंडा हो गया है तो मुझे इसे स्ट्रेन करना है। नहाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी कर रही थी, वेजिटेबल सैंडविच, जिसमें कि मैंने बीट रूट, टमाटो और प्याज, खीरा, ये सारी चीज़ें डाल के जो है ये रेडी किया है। बहुत ही अम्मी सी रेसिपी है, और सबसे अच्छी बात है फाइबर एंड काप की जो इक्वल क्वान्टिटी होती है, वो मतलब काप की कम एंड वेजिटेबल्स की बहुत अच्छी जो है वो क्वान्टिटी होती है और आपकी बॉडी में जाती है। तो बीट रूट आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कलरफुल, और कलरफुल चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करिए। और सुबह बस मैंने एक कप चाय पी थी, मतलब एक नहीं हाफ कप, विदाउट एनी शुगर, मतलब मैं शुगर नहीं लेती हूँ चाय में। उसके बाद इसको थोड़ी सी क्रिस्पी बना लूँगी, ग्रिल कर लूँगी अच्छे से, बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ट्राई जरूर करना। फुल रेसिपी जो है मेरे मेन चैनल बींग ब्यूटीफुल पर होगा, तो मैं लिंक नीचे दे दूँगी, आप जाके चेकआउट कर लेना। इसकी फुल रेसिपी विद स्नैकिंग सब कुछ मैंने उस चैनल पर अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। तो यहाँ पर मैं अपनी ब्रेड बना रही हूँ, उसके बाद फिर हम और हस्बैंड बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद साथ में वो ऑफिस चले जाएंगे, फिर मैं अपने जो और काम करूंगी, और साथ में फिर स्नैक का टाइम हो जाएगा, वो भी मैं आप लोग के साथ आज नहीं शेयर करूंगी, फिर कभी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे जो मेरा ये है वो रेडी है, बहुत यम्मी सी है। मैं इसके साथ कोई सॉस या कुछ भी नहीं लेती, सिर्फ गुड़हल टी लेती हूँ। एक सैंडविच 2 ब्रेड का मेरा है, एक सैंडविच 2 ब्रेड का हस्बैंड का है, वो काढ़ा लेते हैं साथ में। हम लोग चाय थोड़ा सा कम हम लोग ने इधर कट किया, वरना हम लोग टी लवर हैं, हम लोग बोल
सकते हैं, और यूपी वाले वैसे भी बहुत ज़्यादा टी लवर होते हैं। उनका काढ़ा भी मैंने बना दिया है, आयुष काढ़ा, और बिकॉज़ वो बाहर जाते हैं तो उनके लिए काढ़ा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साथ में मैं लूँगी गुड़हल की चाय, जो कि हर लेडीज़ के लिए बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो हार्मोन्स को, मतलब हर लड़की के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि उसको हार्मोन्स बैलेंस रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो फिर भी हार्मोन्स बैलेंस रहे। तो ये मेरी गुड़हल टी मुझे फ्रेश मिल जाती है, आप अमेज़ॉन से लीव जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी ड्राई लीव्स भी अमेज़ॉन पर ईज़िली अवेलेबल हैं। मॉर्निंग में अच्छी सी वॉक और अच्छी सी धूप लेने के बाद जो एक सुकून मिलता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह का 8 बजे है, मैंने वॉक की है और मैं आपको धूप दिखाती हूँ, जो बहुत गुलाबी सी धूप नहीं होती है ठंड की, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। और मैं डेली बेसिस पे वो लेती हूँ। मैं ऐसे ही टाइम वॉक करने आती हूँ जिस समय वो गुलाबी सी धूप हो, तो मैं इस समय वॉक करके जस्ट बैठी हूँ और मुझे बहुत रिफ्रेशमेंट मिल रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको वो गुलाबी वाली धूप भी दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारी सी धूप है और इस धूप में मैंने अच्छी सी एक वॉक ली है, बहुत सुकून मिल रहा है दिल को, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही प्यारी सी जो सुबह की धूप होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। बहुत दिन से एक लाइट लेने को सोच रही थी, वैसे मेरे पास 3-4 लाइट हैं अभी तक जब तक मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, लेकिन आज मेरी फाइनली जो ये वाली लाइट है ये भी आ गई। आप लोग को दिखाऊंगी, अनबॉक्सिंग करूंगी। और मैंने जो सुना है इसकी, मतलब डिजिटेक के प्रोडक्ट्स वैसे भी होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, मेरे पास 4 ट्राईपॉड डिजिटेक के हैं, मैंने हर कंपनी का यूज़ कर लिया लेकिन डिजिटेक से अच्छा ट्राईपॉड किसी का नहीं है। और ये लाइट के बारे में भी मैंने बहुत सुना है डिजिटेक की, तो आज आप लोग के साथ अनबॉक्सिंग भी कर लेती हूँ और दिखा भी देती हूँ। जो यूट्यूबर लेने को सोच रहा है उसके लिए भी सबसे अच्छी बात यह है, और मोस्टली मेकअप्स के लिए ये लाइट बहुत अच्छी है। वैसे मेरे पास 3-4 लाइट्स हैं, तो इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, और मैंने कल इसे मॉर्निंग में ही जो है ऑर्डर दिया था, 1 डे डिलीवरी होती है टाइम की। इसका बैग भी है जो कि मेरे बड़े काम का आने वाला है। ये देखिए, लव से लाइट बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है।
आई थिंक ये कैमरे के लिए है और ये इसकी लाइट। वाओ, आप ऐसे नॉर्मल, मतलब इसकी लाइट इधर भी आ रही है और आई थिंक इसमें ये देखिए ये लाइटनिंग, मतलब काफी अच्छी लाइट है यार, जितना मैंने सोचा था उससे इसके जो है। बंद हो गई। पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी और डिजिटेक के तो प्रोडक्ट्स मुझे वैसे भी हमेशा से पसंद है, मतलब मैं उसका ट्राईपॉड यूज़ करती हूँ और ये जो मैंने हाथ में भी ट्राईपॉड पकड़ा है ना, यहाँ से आप मेरी बिल्कुल क्लियर स्किन देख सकते हैं। मैंने इवन अभी तक नहाया भी नहीं है मैं आपको बोलूँ, बिकॉज जो मेरे दूसरा वाला घर है वहाँ पे फादर मदर सब कोई वहीं पे है, अभी मैं आपको वहाँ का भी ब्लॉग शूट करूँगी, वो नेक्स्ट पार्ट में होगा, फिलहाल आज का यहीं पे मैं ब्लॉग दिखा रही हूँ। दिस इज माय लाइट, ये एक्सचेंज पॉइंट है और ये यहाँ पे इसका, जैसे कि टिकटॉक एंड सारे यूट्यूबर बनाते हैं ये उनके लिए है। तैयारी चल रही है जाने की कहीं पर, नेक्स्ट ब्लॉग में देख लीजिएगा। और इसकी लाइटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, आप भी बताइएगा कैसा लगा। साथ ही साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड, जा रही हूँ नहाने और ये देखिए इधर भी बहुत अच्छी आ रही है। और आपको भी बताऊँ आज मेरी काम वाली नहीं आई है तो मुझे अभी बहुत सारा काम करना है, ये कहिए कि ज़्यादा कोई है नहीं घर में तो उतना ज़्यादा काम नहीं है, ये मैंने जो यहाँ पे गंदगी फैलाई है ये मुझे हटानी है और मैंने अभी अपनी स्किन पे भी कुछ नहीं किया है, कुछ रूटीन करना है वो मैं आपको, वैसे तो मैंने इस ब्लॉग में भी आपको कल का दिखा दिया था, ये ब्लॉग कल से चल रहा है। ये हैंड स्क्रैचिंग है, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इसकी पूरी कहानी बताऊंगी। सो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आओ तो फटाफट से सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।